विश्व कप 2023 की शुरुआत इस साल 5 अक्टूबर से हो चुकी है। अगर आपने इस बार के वर्ल्ड कप में कुछ खास लोगों पर ध्यान दिया होगा तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर इन लोगों का अर्थ क्या है। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं। आईसीसी ने नवरसा शब्द को शामिल किया है जो भारतीय थिएटर्स में क्रिकेट के संदर्भ में नौ भावनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर से, सबसे पहला है इसमें जॉय। ऊपर लगाई गई पिक्चर में मौजूद सभी लोगों में बाईं ओर से देखें तो पहला लोगो खुशी को दर्शाता है। ये लोगो प्रतीक उस खुशी का प्रतीक है जो फैंस को तब महसूस होती है जब उनकी पसंदीदा टीम या फिर खिलाड़ी को जीत मिलती है या अच्छा प्रदर्शन उनकी टीम कर पाती है। इसमें दूसरा लोगो है प्रतीक का, एक खिलाड़ी की पावर यानी कि उसकी ताकत को दिखाता है। टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी छक्का या बड़े शॉट्स लगाता है तो इस लोगो का इस्तेमाल होता है। तीसरा लोगो है रिस्पेक्ट का, तीसरा लोगो सभी फैंस और खिलाड़ियों के लिए सम्मान की भावना दर्शाने के लिए है। चौथा लोगो है ब्रेव का, ब्रेव गर्व की अनुभूति महसूस करने के लिए है जो आमतौर पर अपने देश के राष्ट्रगान के तौर पर महसूस होती है। इसके बाद नंबर आता है प्राइड का यानी कि पांचवा लोगो। पांचवा लोगो बहादुरी का प्रतीक है। जब कोई खिलाड़ी किसी शारीरिक समस्या से चोटिल होने के बावजूद अपनी टीम के लिए खेलता है तो समर्पण की इस बहादुर भावना को दर्शाने के लिए ही लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नंबर आता है ग्लोरी का। ग्लोरी छठा लोगो है जो कि प्रतीक है भावना आदर्श का, यानी कि उदाहरण वर्ल्ड कप का खिताब जीतना, परम गौरव तक पहुंचना, ये है ग्लोरी का अर्थ। फिर नंबर आता है वंडर का। सातवां लोगो वर्ल्ड कप में होने वाले आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित चीजों के लिए है, जैसा कि साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स ने हराया, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान को। इसके बाद नंबर आता है पैशन का। आठवां लोगो प्रतीक सभी खिलाड़ी फैंस और उनके जुनून को दर्शाने के लिए है। इसके बाद नंबर आता है एंग्यूश यानी कि नौवां लोगो। नौवां लोगो है दुख की भावना को दर्शाने के लिए। इस प्रतीक से हारने वाली टीम के खिलाड़ियों और फैंस की भावना दर्शाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि विश्व कप के ये नौ लोगो आपको आसानी से समझ आ गए होंगे।